सिद्धू मूसेवाले के नवे गाने से विवाद, लुधियाना जामा मस्जिद के शाही इमाम ने की गल साफ। सिद्धू मूसेवाले के पिता ने फोन से दी सफाई और मंगी माफ़ी। लुधियाना तो अमन टांगर की रिपोर्ट, लाइव भारत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करने वाला। सिद्धू मूसेवाले दा जिहड़ा गीत आया वार, उहदे विच इक लाइन नूं लै के कल दी ही मुस्लिम समाज दे विच बड़ी तेज़ी दे नाल इह गल वायरल हो रही सी कि शायद वह जिहड़ा लफ्ज़ है वह हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े कि मुसलमाना दे आखिरी नबी ने, शायद उन्होंने संबंध के जोड़ा वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मैं अलग अलग लोगों ने बहुत अप्रोच की थी, ते असी जब इतिहासिक तत् चैक किए तो वह अमीर दोस्त मुहम्मद खान के नाल जी उस वेले अफगान शासक ने लड़ाई हुई उसका जिक्र ये किया गया। फिर भी असी ये जरूरी समझा कि लोगों के सामने क्लैरिफिकेशन दे सरदार बलकौर सिंह जी जिहड़े कि सिद्धू मूसेवाला जी के पिता जी ने, उन्होंने नाल अज गलबात की, तो उन्होंने भी ये गल दसी कि इस गाने दे विच जिहड़ा जिक्र है वो हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े कि पूरी दुनिया च मुसलमाना दे नबी ने उन्हां दा नहीं है, बल्कि उस वेले जिहड़ी लड़ाई सरदार हरी सिंह नलवा जिहड़े जरनैल ने बहुत मशहूर, उन्हां दी जिहड़ी लड़ाई अफगान शासक अमीर दोस्त मुहम्मद खान दे नाल हुई उन्हां दा जिक्र है। जद क्लैरिफिकेशन आ गई तो मैं समझदा हाँ कि जिन्हां लोगों को यह शंका सी या कोई शक सीगा या जिन्होंने कोई दिल्ली तौर पर ठेस पहुँची ये मसला जिहड़ा है वह खत्म करना चाहिए। हाँ, जिहड़ी मेरी उन्होंने नाल गलबात हुई है तो वो मैं तुहानू दस दिना ताकि कल दे बहुत सारे लोग जिहड़े ने खासकर कुछ लोग ट्रोल करना चाहते सी, असी चाहते सी कि इनू विवाद की शक्ल जिहड़ी है वह ना दी जाए। मुस्लिम भाईचारे नूं की संदेश देना? मुस्लिम भाईचारा ही नहीं सारे भाईचारे नूं, सारिआं नूं। आ तुसीं मैं कहना चाहना उन्होंने इस क्लैरिफिकेशन तो बाद के अगर किसी नूं इहदे मुताबिक कोई गलत फहमी हुई तो वह दूर कर देनी चाहिए। इहदे नाल नाल मैं एक बेनती करना चाहना सरदार बलकौर सिंह जी नूं भी, सिद्धू मूसेवाले की टीम नूं भी, उहदे अलावा होर भी जिन्ने लोग सोशल मीडिया से एक्टिव ने या कोई चीज़ बनाते हैं, कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या कोई गाना लिखते हैं। देखो पंजाब का विरसा बड़ा अमीर विरसा है और नामा च सिमिलरिटीज़ जिहड़ियां बहुत होंदियां। हज़रत मुहम्मद साहब का जिहड़ा नाम है कल्ला मुहम्मद जिथे आएगा उन्होंने मुसलमान यही समझणगे कि हज़रत मुहम्मद साहब का जिक्र किया जा रहा है। अच्छा जी, अगर असी पहली पातशाही धन धन गुरु नानक देव जी तो लैके दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक देखते हैं, ठीक है उस वेले दे शासक मुसलमान सी, उन्होंने नाल उन्होंने जुल्म के खिलाफ जिहड़ी जंग हुई, लेकिन पहली पातशाही तो लैके दसवीं पातशाही तक मुसलमाना दा ते सिख पंथ दा आपस दे एक बड़ा गूढ़ा रिश्ता है। भाई मरदाना तो लैके फिर नबी खान गनी खान, देखो उन्होंने नाँ के पिछे भी खान लग रहा है, और फिर पीर बुद्धू शाह रहमतुल्ला ले, फिर साई मी अमीर साहब रहमतुल्ला ले, ते एदा हज़ारा ही ऐसे लोग ने जेडे जिन्होंने अपनी सांझ जड़ी है वो गुरु साहिबान दे नाल पाई है। तो मैं बेनती ये करना चाहना कि जब भी कोई ऐसा इतिहासिक तत् पेश किया जाए तो उहदे विच इन्ना जरूर कर लिता जाए कि उहदी डिस्क्रिप्शन दे विच पहला ही यह पा दिता जाए कि यह फलाने तारीख या फलां सन का इतिहास जिहड़ा है वो तुहाडे सामने पेश किया जा रहा है और आ उस शासक का नाम है, आ साडे जरनैल का नाम है, ताकि किसी नूं भी कोई शंका ना हो, किसी दे दिल नूं तकलीफ ना पहुँचे और खासकर नैगटिविटी फैलाने वाले भी किसी नूं मौका जिहड़ा वो नहीं मिलना चाहिए।